लाइव स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करें ओरिएंट ग्रीन पावर के बारे में। आज 10 रुपये 85 पैसे का हाई बनाया, जबकि 9 रुपये 65 पैसे का लो बनाया। 52 क्लोज इसका 6 रुपये 80 पैसे और 52 हाई 13 रुपये 25 पैसे है। 10 रुपये 60 पैसे पर इसने क्लोजिंग दी है। अब इस स्टॉक में हो क्या रहा है, देखो दोस्तों ये रेंज बना रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका ये रेंज है और इसी लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है, इसी के आसपास बस इसी बॉक्स में ये ट्रेड करे। कभी कभी पंप डम भी किया जाता है, वही है। तो यहाँ पर 2022 से यहीं पर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर तूफान तेज़ी आ गई है, ये देखो यहाँ पर ये हो गया, इसमें अच्छी खासी तेज़ी आ रही है। इसका RSI भी देख लेते हैं, 78 RSI इसका हो रहा है दोस्तों, वो देख लेते हैं। शेयर की जोन में पड़ा हुआ है। यहाँ पर देखो आज मार्केट में 3 करोड़ शेयर है जो आए थे दोस्तों। जनता क्या बोल रही है, सभी लोग बोल रहे हैं कि इसको बाई करके अपन को चलना है। अब यहाँ पर देखो इसका एक अपडेट भी आया, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, देखो 799 करोड़ की कंपनी, जिसका PE 86 है, ROE 7-8 है, ROE 1-2 है, डेट है 1091 करोड़ का। बट कि कंपनी में 1 रुपये केस नहीं है, 227 करोड़ रुपये माइनस में है और इसका पूरा शेयर प्लीज है। प्रमोटर के पास में 32-33 है, DA वाले 3-4 है, FI वाले नाम मात्र के, वॉल्यूम भी और अर्निंग पर शेयर 43 पैसे है। करंट एसेट है 215 करोड़ का। और यहाँ पर देखो क्वार्टर सेल्स हो रही है, सेल्स ग्रोथ माइनस में, RSI इसका 74% है। टोटल एसेट 1692 करोड़ का है। इन्वेस्टमेंट कंपनी ने नाम मात्र का कर रखा है और यहाँ पर बुक वैल्यू इसकी 6 रुपये 97 पैसा है। करंट प्राइस इसकी 10 रुपये 60 पैसे है। अब देखो दोस्तों कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा वीक है, मार्केट कैप से ज़्यादा कच्चा है, 1 रुपये केस नहीं है, पूरा शेयर गिरी हुई है। तो फंडामेंटली तो कंपनी वीक है, बट बिजनेस मॉडल अच्छा है। कैसे, ज़्यादातर ये कंपनी क्या करती है, रिन्यूएबल एनर्जी पावर के क्षेत्र में, ग्रीन के क्षेत्र में डेवलपिंग काम का भी है, और यहाँ पर विंड एनर्जी में भी है, पावर प्लांट भी बनाती है। मतलब इसका बिजनेस मॉडल है बहुत ज़्यादा लग्जरी है। दूसरी बात, 2 दिन मार्केट बंद है। किसी भी स्टॉक के बारे में जानना है तो दोस्तों कमेंट कर देना, 2 दिन उन्हीं का वीडियो आएगा। इंडिकेटर देखिए, वीकनेस 7 है, स्टॉक 5 है, अपॉर्चुनिटी मौका अवसर गोल्डन चांस 6 है और तेरिश कुछ नहीं है इस स्टॉक में, वो देख लेते हैं। शेयर की जोन में चल रहा है यहाँ पर। अब देखो दोस्तों शेयर पूरा बुलिश है, मतलब बुलिश मूवमेंट इसमें शुरू हो गया, बेरिश है नहीं। प्रमोटर देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों एक प्रमोटर है, एक पब्लिक है, 2 DI वाले इसमें, और 2022 के बाद में कोई भी मंगल ग्रह का आतंक देखने को नहीं मिला। यहाँ पर अपडेट भी आया था कंपनी की तरफ से, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपडेट आज भी आया है और न्यूज़पेपर में दिया है, 8 को भी आया था, इंक्रीज वॉल्यूम वगैरह आ रही है। अपने लिए देखो ना कोई ऑर्डर है ना कोई बात, ऐसे ही है, सभी को मेंशन वगैरह करना किया जाता है। ई वोटिंग करवा रही है कंपनी, बस किसी डिसीजन के लिए यही हो रहा है। आपके पास में लॉन्ग टाइम का नज़रिया रखो, कंपनी बहुत ज़्यादा क्रेज हो गई है, अच्छी खासी तेज़ी आ जाएगी इसका, बट ज़्यादा पैसा लगाना नहीं है क्योंकि इसका फंडामेंटल वीक है। बट बिजनेस मॉडल अच्छा है तो थोड़ा यूनिट लेके लॉन्ग टाइम के लिए रख सकती हो। आई होप सारी बात समझ गए होंगे दोस्तों।